हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए मैंगो प्लांट के बेनिफिट्स लेके आया हूँ, जिसमें से कुछ बेनिफिट्स इस प्रकार हैं। आओ उन्हें सुनते हैं। फर्स्ट है एंटी कैंसरस इफेक्ट। एथेनॉल एक्सट्रैक्ट हैड सिग्निफिकेंट टाइसिस ऑफ द सीरम टू हेला सेल्स, मींस ये हेला सेल्स के प्रति साइटोटॉक्सिसिटी दिखाता है। ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, ल्यूकेमिया सेल्स कैंसर, यानी कि रीनल सेल्स कैंसर को ये नष्ट करता है। ये प्रॉपर्टी इसके मैंगो जूस में पाई जाती है। एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी इसकी लीव्स में पाई जाती है। इसकी लीव्स का एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट निकाल के उसका यूज आजकल बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी का आयुर्वेद में इसके बारे में अच्छा खासा वर्णन दिया गया है। स्टेम बार्क का पेस्ट बना के या उसको एक तरीके से पुलटिस उसकी तैयार करके उसे इन्फ्लामेशन वाली जगह पर लगाने से काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। और स्टेम बार्क के जूस या क्वाथ या काढ़े का यूज करने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ट्राइग्लिसराइड्स कम होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन भी कम होती है। मैंजीफेरिन इसके अंदर पाया जाता है, जो कि एंटी बोन रिजॉर्प्शन दिखाता है, मीन्स पैराथायरॉयड हार्मोन को इनहिबिट करके बोन्स पर कैल्शियम डिपोजिशन दिखाता है, हड्डियों को मजबूत करता है। एंटी डायरल इफेक्ट भी इसका काफ़ी वर्णित है इसके जूस का। एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट इसके एथेनॉल या एक्वस एक्सट्रैक्ट में पाया जाता है, जो कि लीव से लिया जाता है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेप्टोकोकस पायोजेंस, कैंडिडा एल्विकेंस बैक्टीरियाज के प्रति इसका एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देखा गया है। एंटीवायरल प्रॉपर्टी भी इसमें पाई जाती है, जो कि हर्पीस सिंप्लेक्स, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी के प्रति होती है। ये आचार चरक ने कार्डियो प्रोटेक्टिव के रूप में या कार्डियो टॉनिक के रूप में कई सालों पहले आयुर्वेद की चरक संहिता में वर्णित किया गया है। दोस्तों, आम के काफ़ी फायदे हैं और इसका उपयोग हमें करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। थैंक यू, धन्यवाद।